बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स द निवेश ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र ₹5 में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे स्कूली स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन। कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनीली बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, एक्सीआई गोदाम के सामने, कोसनी बालाघाट। कॉन्टेक्ट डिटेल 9424969460@7700291। नमस्कार, बालाघाट न्यूज में स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन न्यूज की। हाथरस मामले पर विरोध और आक्रोश का दौर निरंतर दिखाई दे रहा है, कभी जिला मुख्यालय में तो कभी तहसील क्षेत्रों में। इस घटना के खिलाफ लोग मुखर होकर विरोध कर रहे हैं। सोमवार को उपवा में भी हाथरस की घटना पर हुसैनी सेना, आदिवासी संगठन और अन्य बहुजनवादी संगठन के द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए, जहां उन्होंने रैली के बाद प्रशासन को ज्ञापन देकर योगी राज में हुई बर्बर दलित युवती के उत्पीड़न और हत्या की घटना पर दरिंदों को फांसी दिए जाने की मांग की गई। साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय मिले ऐसी अपेक्षा भी महामहिम राष्ट्रपति से की गई। चाहेगी या हमारी बहू बेटियों पर कोई आ चाहेगी तो हम हमेशा इसी तरीके से रोड में आते रहेंगे और अपना हक मांगने के लिए तैयार रहेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वन विभाग के दक्षिण उत्पादन वन मंडल के अंतर्गत आने वाले गर्रा काष्ठागार में उत्पादन परिक्षेत्र अधिकारी के आवासीय परिसर में पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय पक्षी मोर विचरण कर रहे हैं, जो समूचे काष्ठागार परिसर और आसपास में रहने वाले लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार यह परिक्षेत्र अधिकारी के निवास स्थल के ही इर्द गिर्द क्यों विचरण कर रहे हैं, जबकि वे जंगली पक्षी है और उन्हें जंगल में होना चाहिए। इसके लिए वन विभाग के द्वारा उसके प्राकृतिक रहवास में सुरक्षित छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन आवासीय क्षेत्र में इस तरह मोर पक्षियों के समूह का विचरण करना उनके लिए खतरा बन सकता है। परिक्षेत्र अधिकारी ए के मेसराम ने बताया कि काष्ठागार के आगे नदी किनारे अनुसंधान केंद्र की नर्सरी है, जहां पर अनेक प्रकार के वन्य प्राणी विचरण कर रहे हैं। उन्हीं में से कुछ मोर भी है जो इन दिनों काष्ठागार में उनके आवास के आसपास दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने मोर के पाले जाने की शंकाओं पर विराम लगाते हुए कहा कि ऐसा नहीं है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में जानकारी देकर मोर पक्षियों के समूह को वन्य क्षेत्र में भिजवाने के बारे में चर्चा की है। जल्द ही यहां से उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाएगा। सोमवार को कलेक्टर के आदेशानुसार बालाघाट नगर में कालीपुतली चौक से मेन रोड होते हुए गुजरी बाजार से हनुमान चौक तक शासकीय अमले के द्वारा, पुलिस प्रशासन एवं नगरपालिका विभाग के द्वारा व्यापारियों एवं नागरिकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व मास्क का उपयोग करने के लिए समझाइश देते हुए कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में गुजरी बाजार में 2 दुकानें कदम स्टोर बालाघाट एवं मयूरी बेंगल गुजरी बाजार को 2 दिनों के लिए शट डाउन किया गया और जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया था उनके ऊपर फाइन की कार्रवाई करते हुए ₹4,300 का कुल जुर्माना वसूल किया गया। साथ ही अपील की गई कि मास्क का उपयोग करें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का गंभीरता से पालन करें। विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचन के पश्चात ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों को सुरक्षित रखने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में नया वेयर हाउस बनाया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने आज 12 अक्टूबर को इस वेयर हाउस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबले, निर्वाचन पर्यवेक्षक दिलीप पटले एवं निर्वाचन कार्यालय का स्टाफ मौजूद था। ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए इस वेयर हाउस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट एवं वीवीपैट मशीनों को रखने के लिए भूतल पर 3 कक्ष एवं प्रथम मंजिल पर 3 कक्ष बनाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 अक्टूबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 42 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1569 पर मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। अब तक 1226 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 325 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 10 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 8 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है।